भाजपा एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी का एक आज बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा भाजपा और आरएसएस का मुकाबला करने से डरने वाले लोग कांग्रेस को छोड़कर जा सकते हैं, पार्टी को ऐसे लोग की जरूरत नहीं है। हम आपको अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं, आरएसएस के लोगों के ऊपर राहुल गांधी ने हमला बोला था, उन्होंने अपनी पार्टी से बाहर गए लोगों को कहा था कि वो आरएसएस के लोग हैं। इस पर कटाक्ष करते हुए एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस को दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक भी खाता नहीं खुल पाएगा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का। अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं, एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने भी हाल ही में पंचायत चुनाव में अपने दमखम को दिखाया था और भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष को सीट पर काबिज किया है। इस समय की अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी इस बात को समझ लें, अब की बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा रायबरेली में। मैं भारत देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ और निश्चित तौर से जो देश के खिलाफ कोई बात होती है उसमें बोलने का मुझे अधिकार है। आज राहुल गांधी जी का जो कांग्रेस के नेता हैं उनका अखबार में मैंने बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस से छोड़ के जो लोग गए हैं वो डरे हुए लोग हैं और आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि डरा हुआ किसको कहते हैं? राहुल गांधी जी, इस देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा डरा हुआ आदमी है तो उसका नाम श्री राहुल गांधी है, जिन्होंने अमेठी से डर करके पलायन करके और असम में शरण ली है जा करके, केरल में शरण ली है जा करके, तो निश्चित तौर से डरा हुआ कोई है तो राहुल गांधी जी डरे हुए हैं। और डरे हुए रायबरेली में भी कांग्रेस से आया हुआ एक आदमी है जो तुमसे डर के नहीं आया है, राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है और निश्चित तौर से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है और आपको हर जगह पराजित कर रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले 2022 के चुनाव में दिनेश सिंह रायबरेली में कांग्रेस से लड़ेगा और 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जिता के देगा। इसी रायबरेली में लड़ रहा है, इसी अमेठी में लड़ रहा है। डरा होता तो तुम्हारी तरह मैं भी कहीं भाग जाता। अभी आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूरी ताकत लगा दी, आपने ताकत लगाई, आपकी बहन ने ताकत लगाई, आपकी बुंदेल, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ताकत लगाई, आपकी पंजाब की सरकार ने ताकत लगाई, लेकिन ये डरा हुआ आदमी आपको हरा के ही दम लिया और भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत रायबरेली में कमल खिला के ही दम लिया। तो आपको सोचना होगा कि डरा हुआ कौन आदमी है। राहुल गांधी जी, डरे हुए सबसे ज़्यादा आप हो, दूसरा कोई नहीं है। आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ करके गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आपने नहीं जाना लेकिन मैंने भली भांति जाना है। 15 वर्ष का प्रचारक जब घर से निकलता है अपने, तो सोच लेता है कि इस दुनिया में जो भी सुख सुविधा होती है मैं उसका त्याग करता हूं, अगर कोई चीज़ बचता है तो राष्ट्र प्रेम बचता है, राष्ट्र के लिए कुर्बान होने की भावना रहती है उसके अंदर प्रचारक के भीतर। ना वो घर खरीदता है, ना वो मकान खरीदता है, ना गाड़ी खरीदता है, ना विधायक बनता है, ना मंत्री बनता है, ना मुख्यमंत्री बनता है, और बनाता सबको है और स्वयं इस देश पर अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान हो जाता है। ऐसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आलोचना करना निश्चित तौर से आपको शोभा नहीं देता है। आपको आपके जो सर्वाधिक बड़े नेता थे इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आदरणीय प्रणव मुखर्जी जी को भी सम्मानित किया है, सम्मान दिया है, तो ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक विशाल हृदय का संघ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक विशाल हृदय वाला संगठन है और निश्चित तौर से मैं तो कहता हूँ प्रणव मुखर्जी जी का अनुसरण करिए और आप भी जाइए नागपुर, आप भी कुछ सीखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, हो सकता है कांग्रेस का कुछ भला कर सको। निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम अगर सीखना हो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सीखें, निश्चित तौर से हो सकता है उनका कुछ कांग्रेस का भला हो सके।